कुर्ती में पट्टी लगाने का आसान तरीका एक ही सिलाई में हो जाएगा। अभी देखिए, पहले इस तरह से डबल फोल्ड कपड़े को लेना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद बीच में हम इसको थोड़ा सा कट लगा देंगे। ध्यान से देखिए, मैंने कट लगा लिया। अब यहाँ पर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, एक साइड का फोल्ड हो गया और दूसरे साइड में भी सेम इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो इसका फिनिशिंग है ना कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पर जो कट पीस था हम इसको इसके बीच में रखेंगे इस तरह से, ये देखिए। और दूसरे साइड में भी सेम इसी तरीके से हम बीच में इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल मोइन टेलर को। ये तो अभी मैं सिर्फ एक ही पीस बताया हूँ, अभी और दो इससे भी बेहतरीन बताने वाला हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद मार्जिन को इस तरह से कट करेंगे तो इसका फिनिशिंग देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। दोनों साइड में एक लेवल पट्टी रहेगी और फिनिशिंग भी ज़बरदस्त रहेगी। और थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम शो बटन लगाएंगे। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट रहा तो हमारा इंस्टाग्राम पेपर पर लिखा हुआ था मोइन टेलर 786, यहाँ पर आप मैसेज करके आप कॉल कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा आइडिया बताते हैं। पहले इस तरह से बीच में कट लगा देना और इसको इस तरह से फोल्ड करना और ये साइड को इधर भी फोल्ड कर लेना। अब यहाँ से हम एक पट्टी लेंगे और बीच में हम इसको इस तरह से रख करके एक सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये तरीका बिल्कुल आसान है ताबीज पट्टी बनाने का। तो हम यहाँ पर एक सिलाई इसको लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए कितना आसान है, यहाँ से थोड़ा सा नाखून लगा लेंगे और बीच में हम यहाँ पर जितना आप ताबीज पट्टी पर सिलाई लगाते हैं उतने पर आप इस तरह से सिलाई लगा करके पूरे हिस्से में आपको जहाँ पर आप ताबीज पर सिलाई लगाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लगा लेना है। उसके बाद थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर शो बटन लगाएंगे तो इसका फिनिशिंग देखिए कितना ज़बरदस्त था। और इससे भी आसान और ज़बरदस्त आपको तीसरा पीस है, चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर डबल कपड़े को लिए वी शेप का पीस है, हम यहाँ पर पहले इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये तरीका बहुत ही आसान है वी शेप में पट्टी बैठाने का। स्ट्रेट कपड़ा ये है लेकिन ये वी बन जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर हम पहले इस तरह से कट लगाएंगे और इसको इस तरह से पलट करके सीधा करेंगे तो वी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम दो कलर का बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पर एक और कपड़ा लेंगे और इस तरह से हम अटैच करेंगे। अगर तीन बनाना है तो एक और लगा देना है, अगर इससे भी ज़्यादा लगाना है तो एक और अटैच कर देना, तो आपकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अब ध्यान से रखना, यहाँ पर पहले एक पिन लगा लेंगे और बीच में इस तरह से पहले टका लगाएंगे और इसको इस तरह से रख करके यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो मेरा आगे पीछे पीस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बीच में इस तरह से एक कट लगाना पड़ेगा। ये कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ से पूरा पीस सिलाई लगा देंगे पूरे पीस में। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसका फिनिशिंग बताते हैं आप लोग को। यहाँ पर आप थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए शो बटन लगा देंगे। एक मरतबा ज़रूर कमेंट करके बताएं कि तीनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा डिज़ाइन।